अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीजपुर के हालीशहर चौमाथा बाजार अंचल में अपना कार्यक्रम कर रही भाजपा महिला मोर्चा के कर्मियों को धमकाने का आरोप तृणमूल समर्थक पर लगा है। महिलाओं का आरोप है कि नारी दिवस पर महिलाओं के शुभेच्छा वार्ता देने के लिए चॉकलेट फूल लेकर इलाके में निकली थी, तभी कुछ युवकों ने असम्मानजनक भाषा में धमकी दिया। आरोप है कि किसी किसी का दुपट्टा भी खींचा गया। चॉकलेट और पेन लिए गेछिलाम कुछ समस्त महिला के जान मान शुभेच्छा देवार जन्य सेखाने दाड़िये कोनो पार्टीर बैनार छिलो ना, पार्टीर कोनो झंडा छिलो ना, पार्टीर कोनो सिम्बल छिलो ना। সেখানে দাঁড়িয়ে যদি ওরা আমাদেরকে মেয়েদের গায়ে পর্যন্ত ওন্না টুনা ধরে টানটুন দিয়েছে, আমরা এখানে যদি পার্টি প্রচার করতাম সেটা পুরোপুরি আলাদা ছিল। আমরা একটা নারী দিবস উপলক্ষে সেখানে আমরা শুধু নারীদের সম্মান জানাতে গেছিলাম, সেখানে নারীদের সম্মান জানাতে গিয়ে আমাদের নিজেরা নারীদের আমাদেরকে অসম্মানিত হয়ে আসতে হলো। এটা আমরা কোথায় বাস করছি? আগামী দিন যদি এরকম চলতে থাকে তাহলে কোনো মহিলারা সুরক্ষিত নয়। হ্যাঁ, আমরা লিখিত অভিযোগ দিয়েছি, এখন জানি না থানা কি করেছে। भाजपा विधायक शुभ्रांशु राय का आरोप है कि बीजपुर में इस प्रकार की घटना नई नहीं है, एक माफिया को तृणमूल में प्रार्थी बनाया गया है। भविष्य में बीजपुर के महिलाओं की हिफाजत नहीं हो पाएगी, आम जनता भी अत्याचारित होंगे। बीजपुर ये तो नतून किछु नय, एक जन माफिया यदि प्रार्थी है एवं आगामी दिन नारी सुरक्षा तो थाकबेई ना, तार मध्य थेके बाद जाबे ना साधारण मानुषो एवं सुरक्षित। हालांकि प्रार्थी सुबोध अधिकारी इस आरोप को झूठा करार देते हुए कहा कि जनता तय करेगी कौन बनेगा उनकी जनप्रतिनिधि।